केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया। बिल को टीडीपी, शिवसेना और जेडीयू का सफल समर्थन मिला। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से बिल का संशोधन का समर्थन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पूरे वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा है और आम मुस्लिम लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसे सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये इतिहास में दर्ज होगा। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल को केंद्रीय मंत्री ने जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग सिया, सुनी, वोरा जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा में ये महत्वपूर्ण विधेयक बिल पेश किया गया। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहाँ उठाया। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक, किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है।